आईजी का दौरा। आईजी मोहित अग्रवाल का दो दिवसीय दौरा। आईजी ने कोतवाली फतेहगढ़ का किया निरीक्षण। कोतवाली में पुलिस कर्मियों की बिना नंबर मोटरसाइकिल करवाया चालान। बिना नंबर की मोटरसाइकिल देख आईजी भड़के। आईजी ने राजपुर थाना प्रभारी व खनन माफिया से मिली भगत के मामले में एसपी को किया निर्देशित। खनन माफिया ने राजपुर एसपी की गाड़ी में मारी थी टक्कर। आरोपी व वाहन को छोड़ने का था मामला। बीट पुलिसिंग पर देना है और ध्यान आईजी मोहित अग्रवाल। क्या क्या पुलिस की तैयारियां मिली हैं? देखिए, आज फरक्ताबाद जनपद में पुलिस लाइन का, पुलिस कार्यालय का और यहाँ कोतवाली का निरीक्षण किया गया है। मुख्य रूप से बीट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है कि जो बीट सिपाही हैं उनको अपने बीट क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस क्षेत्र में कौन कौन अपराधी हैं, कौन सक्रिय अपराधी हैं, कौन अपराधी जेल से छूट कर आ गया है, किसकी दबंगई चल रही है, कौन क्षेत्र में जो है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, इस तरह की जानकारी अगर बीट सिपाही अपने पास रखेगा और उसकी सूचना थाने पर देगा तो पुलिस के जो अन्य अधिकारी हैं, जो सीनियर लेवल पर हैं, हल्का के दरोगा हैं, थाना अध्यक्ष हैं, सीओ हैं, उनको कार्रवाई करने में आसानी है। इसी प्रकार से थाने के अन्य अभिलेख देखे गए, त्यौहार रजिस्टर, रजिस्टर नंबर चार, जैसे पूरे क्राइम का ब्यौरा रहता है, इसको चेक किया गया। थाने पर जो सीसीटीवी लगे हैं वो ठीक प्रकार से चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसको चेक किया गया। थाने की सफाई इत्यादि आगंतुकों के लिए क्या व्यवस्था है और थाने पर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनके उसका भी निरीक्षण किया गया है। और कुछ बिना नंबर की गाड़ियां जो पुलिसकर्मी को पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। सर, फरुखाबाद में एक अहम समस्या सामने आ रही है कि खनन माफिया लगातार हावी है। पिछले एक थाना नवाबगंज का मसला है जिसमें एक महीने पहले खनन माफियाओं ने शिकायत करने के आरोप में उसको बहुत पीटा मारा लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करी, तो क्या इस तरीके जो माफिया है तो इन पर भी कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल, सभी माफियाओं का चिन्हीकरण हो रहा है। यदि कोई क्षेत्र में मुंडई कर रहा है तो निश्चित रूप से उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। जिस माफिया का आप जिक्र कर रहे हैं इसकी जाँच कराई जाएगी और अगर उसकी क्षेत्र में इतने की दबंगई है और गुंडई कर रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। सर, दूसरा मसला थाना क्षेत्र राजेपुर का, एक खनन माफिया ने एसएचओ की गाड़ी में टक्कर मार दी। एसएचओ ने गाड़ी छोड़ दी, आरोपी छोड़ दिए और उस पूरे मामले को दबा गए। सर, ये एसएचओ भी इस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या लग रहा है कि पुलिसिंग ढीली है या माफियाओं का गठजोड़ है? देखिए, अभी ये प्रश्न मेरी जानकारी नहीं है, आपने मेरी जानकारी में लाया है तो उसकी विस्तृत जाँच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।